तैयार भी है उसके लिए। आमतौर पर लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कों पर गड्ढे हैं, सिग्नल ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, सिग्नल छुपे हुए हैं, और पुलिस कर्मियों का अगर रवैया सिर्फ चालान काट कर उसका पैसा उभाना ही अगर बन जाएगा, तो फिर इस अभियान का क्या होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जैसा अभी सेवाराम जी ने बताया था कि एक एक्सीडेंट जो हुआ उसकी एक स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी हर एक एक्सीडेंट की बनाएगी, और इनडेप्थ स्टडी, जैसे अभी बताया कि गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, रोड साइनेज छुपा हुआ था उसकी वजह से हुआ, तो वो सारी चीजों के करेक्टिव मेजर भी साथ के साथ किए जाएंगे, और हर एक एक्सीडेंट का एक कोड होगा जो आइडेंटिफाई होगा कि ये एक्सीडेंट हुआ था तो इसके अंदर ये हमारी जो स्टडी का रिपोर्ट आई थी वो ये थी, और वो हमें पूरे देश में जैसे अभी हमारे ब्लैक स्पॉट है, तो ब्लैक स्पॉट किस वजह से था, तो वो ब्लैक स्पॉट पूरे देश में हट जाना चाहिए उस वजह से, तो ये एक रिसर्च के लिए जिसमें पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन होगा। और मैं आपको एक दो चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, तो वो ये है कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग का काम शुरू किया है, यानी कि आपका चलान होगा तो उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग भी साथ में कराई जाएगी। एक ये वाला एक चीज नई आई है, एक रिसाइकिलिंग की, अगर गाड़ी आपकी समाप्त हो रही है, खराब हो रही है, तो उसको रिसाइकिलिंग के लिए भी अलग अलग एजेंसी को दिया जाएगा कि उससे रबड़ पार्ट अलग निकालें, स्टील का अलग लगाएं, और जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए तो वो चीज भी देगी, और सरकार उसमें इंसेंटिव भी देगी जो गाड़ियां रिसाइकिलिंग। जाहिर की बात है कि जो नया मोटर वाहन कानून है वो केवल आपके खिलाफ नहीं है, आपके लिए बनाया है, सरकार ने आपकी जिंदगी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस कानून को बनाया है, क्योंकि इससे पहले ऐसे प्रावधान पुराने वाले कानून में नहीं थे जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं।